हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काफी रात हो गई है, वक्त का बिल्कुल पता ही नहीं चला। हाँ, एक काम करो, तुम निकलो, मैं भी बस थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। कहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, थैंक यू सो मच, बस थोड़ा सा काम बाकी है, तुम निकलो। ओके बाय। ठीक है। क्या ये वैभव? ये कोई दरवाजे पे एनवेलप छोड़ के गया है बाहर इतनी रात को। ठीक है, तुम निकलो, मैं देखती हूँ। ओके बाय बाय। इसमें कुछ लिखा भी नहीं है। एक नजराना सालुंखे के लिए। सबका सालुंखे सर के साथ क्या लेना देना है? तो दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। अब दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही पल में आप ये दुर्लभ मम्मी देख पाएंगे। ये मम्मी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है, इसे हमने इजिप्ट से मंगाया है और ये हमारे म्यूजियम के लिए बड़े गर्व की बात है। ये दुर्लभ सिर्फ और सिर्फ यहाँ है और इस दुर्लभ मम्मी को यहां तक पहुंचाने का सारा श्रेय जाता है मिस्टर हबीब को, जिन्होंने इस 2000 साल पुरानी मम्मी को हमारे म्यूजियम तक पहुंचाया है। और अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके सामने पेश करता हूं ये दुर्लभ मम्मी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने पेश है कायरो की शान, तलातत है इस मम्मी का नाम। अंदर देखो, ये किसने लिख दिया? अरे हुँ? ये क्या है? लाफा माता एले एले आश्रे आश्रे। भीड़ के हड्डी के साथ सिर्फ एक खोपड़ी जुड़ी हुई है, कंगाल का बाकी का हिस्सा तो गायब है। सर, कोई ऐसा क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम सबको कुछ बताना चाहता है? हो सकता है, इसलिए इस मम्मी के एग्जीबिशन से पहले उसने इस हड्डियों के ढांचे को यहाँ पे ला के रख दिया। पर सर, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद खूनी ने ये सब किया कैसे होगा? आशिया, ये बात तो है और इसका जवाब यही मिलेगा। पंकज, ये ब्लड सैंपल्स उठा लो। माहता माहता तकलीफी फकलीचा। आप चिंता मत कीजिए, ये सब सीआईडी के ऑफिसर से ये सब पता लगा लेंगे। क्या मुसीबत है यार ये। मिस्टर विजय, सर इस मम्मी को कपड़ा ढकने से पहले आखिरी बार कब चेक किया था इसे? सर कल रात करीब 10 बजे, तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। मतलब 10 बजे के बाद कोई अंदर घुसा और उसने ये सब किया? सर इस हॉल में 3 कैमरा लगे, जिसने भी ये सब किया है वो इन कैमरों में जरूर कैप्चर हुआ होगा। मिस्टर विजय, इन तीनों कैमरेज की फुटेज चाहिए हमें। ठीक है सर। वरुण सर, सीसीटीवी फुटेज देखने का इंतजाम करो। ओके। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मम्मी को कुछ नहीं होगा और अब ये हमारी जिम्मेदारी, और वैसे भी अब सीआईडी वाले आ चुके हैं, वो सब संभाल लेंगे। कितना टाइम लगेगा? सर वो आ गया। सर फुटेज तैयार है, सबको दिखाओ। ये क्या, ये फुटेज ब्लैंक क्यों हो गया? जरा फिर से प्ले करो सर। इसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ कभी, मगर ये फुटेज ब्लैंक कैसे हो सकता है?
जरा दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरा कैमरे का फुटेज दिखा। इस कैमरे में औरत लंबे बाल वाली औरत दिख रही है और दूसरे कैमरे में कोई दिख नहीं रहा, ये कैसे हो सकता है? एक कैमरे में दिखी और दूसरे में गायब, कैसे हो सकता है? ये देखो, वो खूनी यहां इस खिड़की से ही अंदर आया है। सर, अगर ये खूनी इस खिड़की से अंदर आया है और एक कैमरे में कैप्चर हुआ है, बाकी दोनों कैमरों में कैप्चर क्यों नहीं हुआ? और इसलिए काविन, क्योंकि शायद ये खिड़की कैमरा के रेंज से बाहर है। वो यहां से अंदर आने के बाद वो इस तरफ गया होगा, छुप के निकला और इस कैमरे के नीचे से होते हुए वो आगे बढ़ा, और यहां से आगे जाने के बाद उसने इस कैमरे को लेजर लाइट से ब्लाइंड कर दिया और यहां से आगे गया और उस हड्डियों के ढांचे को यहां इस कैमरे से नीचे लेके, और फिर शायद वो लेजर उसने इस कैमरे पे मारा और फिर उस हड्डियों के ढांचे को यहां पे रख के चला गया, मगर जाते वक्त वहां उस कैमरे में वो कैद हो गया। सर, इसका मतलब जिसने भी ये किया है वो अच्छी तरीके से जानता था कि इन कैमरों में कैद कैसे नहीं होना है। इसका मतलब वो जो कोई भी है उसे इस म्यूजियम की अच्छी जानकारी थी। सर, यानी कि ये सारा काम किसी अंदर वाले का है, यहाँ किसी काम करने वाले का? हाँ श्रेया, ये काम यहाँ के किसी कर्मचारी का ही है। सर, वो खिड़की देखने में काफी छोटी लगती है, मतलब जो भी अंदर आया है वो ज्यादा कद का नहीं होगा, 5 फीट के आसपास। और सर, वो आदमी बहुत पतला दुबला होगा। आदमी क्यों, वो कोई औरत भी हो सकती है, उस फुटेज में उसके काफी लंबे बाल थे। नहीं सर, ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकती, ये तो हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रही है। तो फिर कौन कर सकता है? एक मिनट, जरा वो फुटेज दिखाना जहां पे वो औरत दिखी थी फ्रेम में। पॉज करो सर, अब जरा ज़ूम करना। इस औरत के तो साइड लॉक्स है। सर, ये लड़कियों का कोई नया फैशन है? नहीं पंकज, ये कोई औरत नहीं है, औरत के फेस में कोई आदमी घूम रहा है। औरत के फेस में आदमी? मिस्टर विजय, सर, आपके स्टाफ में कोई ऐसा है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है? हाँ सर, एक कर्मचारी था जो टूर गाइड का काम करता था। हाँ, मतलब अभी कहाँ? सर, वो 2 हफ्ते पहले म्यूजियम का कुछ सामान चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, अनिल नाम था उसका। हाँ सर, अनिल की कद काठी ऐसी है कि वो इस खिड़की से आ जा सकता है। और एक म्यूजियम को एक टूर गाइड से बेहतर कौन जान सकता है? इस अनिल से मिलता है। सर, कल रात को ना एक अजीब डीवीडी आई है आपके नाम से लैब में। डीवीडी? हाँ सर, ये देखिए सर। एक नजराना सालुखे के लिए। सर, इसमें ना एक जलती हुई गाड़ी दिखाई है, कुछ लोग अपना मुंह छुपाए खड़े हैं और वही लोग आपके नाम के नारे लगा रहे हैं। सर, तारिका, ये सब उलझाने का वाला मामला है, कोई हमें भटकाना चाहता अपने काम से। रखो ये डीवीडी वहां पर रखो, काम पे ध्यान दो। कम ऑन, देखो इस डीवीडी को उधर और इधर आओ। क्या हुआ बॉस, कोई सवाल नहीं पूछा आते? खामोश है सबके साथ। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसी बात बताता हूं जिससे शायद आपका मौन व्रत टूट जाएगा। बॉस, बड़ी माथा पच्ची करने के बाद, अच्छी तरह से जांच करने के बाद पता लगा कि इस रीढ़ की हड्डी में छेड़छाड़ की गई है। रीढ़ की हड्डी के साथ छेड़छाड़ की? मतलब? मतलब ये कि इस रीढ़ की हड्डी की हर वर्टीब्रा को गौर से देखो तो पता चलता है कि सारी वर्टीब्रा उल्टे सीधे क्रम में लगी हुई है। रीढ़ की हड्डियां गलत क्रम में लगी है, इसका क्या मतलब हो सकता है यार? मतलब ये कि देखो, ये वर्टीब्रा C1, इसके बाद होनी चाहिए C2, लेकिन यहाँ पर ऐसी सब और ऐसे ही सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो रीढ़ की हड्डी में बाकी हड्डी के टुकड़े अलग ही क्रम में? हाँ, सारी हड्डियाँ बिल्कुल उल्टी पुल्टी लगाई गई है, जैसे कि C1 के बाद आना चाहिए C2 पर है C7, फिर आना चाहिए C3 पर है C2, और उसी तरह से सारी हड्डियाँ C1, C7,
डॉक्टर साहब ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारी क्या निकल, हमारी समझ में नहीं आया भैया। बहुत खोपड़ी लगाई तब पता चला है, किसी ने बड़ी होशियारी से बड़ी सावधानी से ये हर वर्टिब्रा को उल्टा सीधा क्रम में लगाया है। और जिसने भी ये किया है ना सारुण के, किसी खास मकसद से ही किया है, ये खास मकसद से। और एक बात, जिस किसी ने भी ये किया है ना बॉस, उसे मानव शरीर की और मानव के हड्डियों के ढांचे की बड़ी अच्छी जानकारी है। सर ये सब करने के लिए कोई इतनी तकलीफ क्यों उठाएगा? सचिन, मुजरिम ये सब करके हमें ये बताना चाहता है कि हमारा मुकाबला किसी साधारण आदमी से नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं, दिमागी बीमारी है इस आदमी को। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इन हड्डियों पे जो खून लगा हुआ है, टेस्ट करने के बाद पता चला कि वो किसी एक इंसान का नहीं है बल्कि तीन अलग अलग लोगों का है। क्या मतलब सर, तीन और लोग मरे? खून तीन और लोगों का है, तीन लोग और मरे हैं? सचिन, तीन लोग मरे हैं या जिंदा, ये तो तभी पता चल जाएगा जब हम इस सिर फिरे को पकड़ लेंगे तब। लेकिन जिंदा, सर लगता है कमरे में कोई भी नहीं। चाल मारो, देखो क्या मिलता है। सर ये देखिए, अनिल सर जिंदा है मगर सांसें बहुत धीमी चल रही है इसकी। पंकज एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, हाथ खोलो। ये क्या, पेन ड्राइव? प्ले मी, तो इसे चलो जल्दी। जानता हूं कि मेरा यह संदेशा तुम तक जरूर पहुंचेगा। मैंने सुना है कि तुम दुनिया के एक प्रसिद्ध फॉरेंसिक विशेषज्ञ हो और मुश्किल से मुश्किल केस को चुटकी बजाते ही हल कर लेते हो। मैं ऐसा नहीं मानता, मेरी नजरों में तुम सिर्फ एक आम इंसान हो और अब मैं आ गया हूं और बहुत जल्द दुनिया के सामने तुम्हारी असलियत ला कर रख दूंगा। सालुंखे, मैंने तीन आदमियों को बंदी बनाकर रखा है, अब उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो उन्हें बचा सकते हो, तुम्हारे पास जो रीढ़ की हड्डी है उसके जरिए उन तक पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे हैं। तो दिखाओ अपनी काबिलियत, और अगर तुम उन तीन लोगों को नहीं बचा सके तो उनकी मौत की जिम्मेदार होगे तुम, और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। सर ये आदमी तो खुलेआम डॉक्टर सालुंखे को चुनौती दे रहा है। सर हमें सालुंखे सर को इसके बारे में बता देना चाहिए। सर हमारे पास सिर्फ 6 घंटे। हाँ पंकज, अभी डॉक्टर सालुंखे ही मदद कर सकते हैं इन तीनों मासूमों की जान बचाने में। अरे इन तीनों खून की रिपोर्ट से कुछ पता नहीं पड़ रहा है और हमारे पास सिर्फ 4.5 घंटे। अरे इस मुजरिम के मुताबिक ये सबूत ही हमें सही रास्ता दे सकता है। कुछ तो ऐसा है तारिका जो हमारी नजरों से छुप रहा है, क्या हो सकता है ये? सर इस मुजरिम ने आपको ही ऐसी चुनौती क्यों दी? मेरे कहने का मतलब है कि कहीं आपके अतीत में कभी ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कोई हादसा वगैरह जिससे आपको अभी भी अफसोस हो? तारिका ये मुजरिम दिमागी तौर पर पागल है, हमें भटकाना चाहता, बस दैट्स इट। और सर वो डीवीडी? क्या हुआ सांगी, क्या पता चला? बस हमारे पास सिर्फ 4.5 घंटे, वक्त गुजरता जा रहा और मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यार वही मैं तुझे कहने आया हूँ कि जल्दी बता। बस मुझे लगता है इस रीढ़ की हड्डी में कोई कोड है, मुझे एक एक वर्टिब्रा फिर से चेक करनी पड़ेगी। बस हाँ, बस इस वर्टिब्रा में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ सर? एक मिनट बस। यस,
हाँ बस पकड़ में आ गया। बस इस इंसान की ये वर्टिब्रा में, ये वर्टिब्रा इंसान की नहीं है। तो फिर किसकी है सारू की? जानवर की है। जान यार तू क्या कह रहा है? बस थोड़े से टेस्ट और करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात कंफर्म है, ये वर्टिब्रा किसी जानवर की, और जानवर में भी ये वर्टिब्रा कुत्ते की है। कुत्ते की? कुत्ते का वर्टिब्रा है? हाँ बस। इंसान की रीढ़ की हड्डी में कुत्ते की? सर ये कैसे हो सकता है सर? निखिल पूरी हड्डी नहीं, सारी वर्टिब्राज में से सिर्फ एक ये वर्टिब्रा कुत्ते की है जो इसमें बदल दी गई है, ताकि हमें लगे ही नहीं कि ये किसी कुत्ते की हड्डी है। लेकिन सर रीढ़ की हड्डियों को उल्टे सीधे तरीके से जोड़ने की वजह क्या हो सकती है? शायद हमें भटकाने के लिए बस। हाँ ये हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा चालाक है। वो चाहता है कि हम ये C1, C2, C3, C4, C5 इन वर्टिब्रेज में फंसे रहे हैं, पर हमारा ध्यान इस कुत्ते की रीढ़ की हड्डी पर न जाए। एक बात और बस। क्या? इस हड्डी को देख करके लगता है कि ये हड्डी किसी बड़ी नस्ल के कुत्ते की हड्डी है। बड़ी नस्ल के कुत्ते की रीढ़ की हड्डी? तो फिर सचिन पता लगाना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से डॉग ब्रीडर्स हैं जो बड़े नस्ल के कुत्ते ब्रीड करते हैं, और किन किन लोगों ने कुत्ते पाले हैं। पता चल गया? ओके थैंक यू सर। क्या कहा सारून खेन? सर कुत्ते की नस्ल का पता लगा लिया उन्होंने, ये वैलहुंड नस्ल का कुत्ता है सर। वैलहुंड नस्ल का कुत्ता? हाँ सर। माफ कीजिएगा आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आप सिर्फ इतना मुझे बताइए कि क्या आप वैलहुंड नस्ल के कुत्ते बेचते हैं? हाँ सर, ये बड़े दुर्लभ और बड़े आकार का कुत्ता है, हम इसे बाहर से मंगवाते हैं अपने कुछ खास ग्राहकों के लिए। तब तो ये आसानी से बता सकते हैं आपके इस नस्ल के अब तक कितने कुत्ते बेचे आप? हाँ सर, पिछले साल 2 कुत्ते बेचे और इस साल 4 दिन पहले 1 कुत्ता बेचा, वैलहुंड नस्ल का, पूरे शुद्ध। 4 दिन पहले? सचिन इन कुत्तों के सारे डिटेल्स ले लो। सर अनिल को होश आ गया, उसने बताया उससे जो कुछ भी कराया गया जबरदस्ती करवाया गया। तो फिर उसने खूनी को तो देखा होगा ना? नहीं सर, उसने खूनी को नहीं देखा। Damn it, हमारे पास सिर्फ 3.5 घंटे, चलो जल्दी। सर हमने 2 घर तो चेक कर लिए, उनके कुत्ते तो सही सलामत है। हाँ निखिल, अब इस घर का कुत्ता देखते हैं, शायद यहीं से कुछ पता चल जाएगा। जी किससे मिलना है? जी हम लोग CID से, आपके पास वैलहुंड नस्ल का कुत्ता है ना? जी हाँ। हम उसे देखना चाहते हैं। अंदर आइए। रेक्स ने कुछ किया है क्या? अरे नहीं नहीं, आपके कुत्ते ने कुछ नहीं किया है, बस हम उसे देखना चाहते हैं। जरा बुलाइए ना आपके रेक्स को। सर वो क्या है कि हमारा नौकर उसको घुमाने के लिए लेकर गया है, बस अभी आता ही होगा। सर बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं थैंक यू। सर इसका मतलब ये कुत्ता भी बिल्कुल ठीक ठाक है? क्या यही है आपका रेक्स? जी सर, आपको कोई शक है क्या? मैं फिर से पूछता हूं, क्या यही रेक्स है? जी हाँ सर। देखिए हमारे पास जिस कुत्ते का फोटोग्राफ है उसके दाहिने आंख के ऊपर, मतलब यहां पर एक काला धब्बा है, आपके इस रेक्स में वो नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? इसका मतलब तो यही हुआ कि जो कुत्ता आप लोगों ने खरीदा है वो ये कुत्ता नहीं है। ये क्या है माया, क्या कह रहे हैं सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो अब माया जी समझाएगी। क्यों माया जी, कहां है रेक्स आपका? वो सर। माया जी प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए जवाब दीजिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। अशोक रेक्स गुम हो गया था, मैं डर गई कि तुम नाराज हो जाओगे, इसलिए मैं उससे मिलता जुलता दूसरा कुत्ता खरीद लई। हमारा प्यारा रेक्स गुम हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा और दूसरा कुत्ता ले? आपको पता नहीं चला? सर मैं मर्चेंट नेवी में, पिछले 6 महीने से मैं शिप पे था, अभी 2 दिन पहले आया हूँ। समाया जी ये आपका रेक्स गुम कैसे हुआ? सर हमेशा की तरह मैं रेक्स को लेके रोड में टहलने निकली, वो मुझसे दूर भागने लगा, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की,
पर पता नहीं भागते भागते वो कहाँ खो गया। और आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ सर, बहुत कोशिश की पर मिला ही नहीं। अच्छा, ये सब कब हुआ, कहाँ पर हुआ? 4 दिन पहले, जंगल के पीछे वाले रास्ते पर। जंगल का पीछे वाला रास्ता? सर हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर जंगल काफी बड़ा और रैस ढूंढना थोड़ा मुश्किल है सर। रेडियो और पंकज को लगा दो काम पर, फोन करो उसे। थैंक यू वेरी मच। अरे सर, एसीपी सर ने हमें अचानक यहाँ क्यों बुला लिया? पता नहीं यार, एसीपी साहब का ऑर्डर है भैया, मानना तो पड़ेगा। हाँ सर, मैंने सुना है इन जंगलों में ना जंगली जानवर आते हैं। अबे तू मुझे बता रहा है या डरा रहा है? बता रहा हूँ सर, मैंने अखबार में पढ़ा है। एक बार एक आदमी इन जंगलों में कहीं घूम गया था, चीता ने पीछे से उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसे कच्चा चबा दिया। कच्चा चबा दिया? अरे बाप रे। और चीता तो पीछे से झपट्टा मारता है सर। पंकज एक काम कर, तू आगे देखते हुए चल, मैं पीछे देखते हुए चलता हूँ, उल्टा। ओके चल। चले सर। हाँ रेडियो और पंकज लगे हैं ना काम पे? हाँ सर लगे हुए। लोग सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, कुत्ता माया के घर से भागा क्यों? मुझे तो लगता है निखिल, कुत्ते को किसी चीज से ललचाया होगा इसलिए वो भाग गया। ये सब उस खूनी का प्लान हो सकता है। अब चल। अरे पंकज वहां झाड़ियों में कुछ है। सर कहीं चीता तो नहीं? भाग गया सर, चीता भाग गया। एक मिनट, ये देखो। हड्डियां जरूर इसी से ललचाया होगा कुत्ते को। शाबाश पंकज, शाबाश। तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा। नहीं मगर एक बात जरूर सीख ली, बहादुरी की। बहादुरी? सर मैंने तो आपकी बहादुरी कभी नहीं देखी। अबे मैं बहादुर था, बहादुर था मैं शादी से पहले, मगर शादी के बाद तो। सर एक चीता कहीं फिर से तो नहीं आ गया? अरे बाप रे, अब क्या करें? आपको पेड़ पर चढ़ना आता है? नहीं पंकज भाग 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 भाग। ये देखिए सर। हाँ ये देखिए बॉल, लगता है कुत्ते ने चबाया हुआ है इसे। ये क्या, कुत्ते के दांत के निशान भी तो है। इसका मतलब है वो लोग इसी दिशा में गए हैं, क्योंकि हड्डियां हमें वहां पर मिली और ये बॉल यहाँ पर, उसी तरह होगा। देखते हैं। ये क्या, जंगल का रास्ता तो यहीं पर खत्म हो गया। क्या करें? अरे भैया सुनो, देखो हम लोग सीआईडी से। घबराओ मत, सिर्फ पूछताछ करने आए हैं। एक बात बताओ, 4 दिन पहले क्या तुमने यहाँ पर किसी बड़े नस्ल के कुत्ते को देखा है? सफेद रंग का कुत्ता, उसके शरीर पर काले काले धब्बे थे, बड़ा खूबसूरत सा कुत्ता था। ये कुत्ता क्या सब, यहाँ तो दिन में बहुत सारे कुत्ते घूमते हैं। अरे भाई साहब आपको बताया ना कि बड़ी नस्ल का कुत्ता, वो कोई आम कुत्ता नहीं था। अच्छा अच्छा, वो जिसे लोग गाड़ियों में लेकर घूमते हैं? हाँ। ऐसा कुत्ता तो देखा नहीं, लेकिन 4 दिन हो गए मैं अंदर खाना खा रहा था और एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था, तो मैं खाना छोड़ के बाहर आया। कुत्ता तो नहीं था लेकिन एक सफेद कलर की वैन तेजी से निकल गई, शायद वो कुत्ता उसमें हो। सफेद कलर की वैन? अच्छा, वैसे तो तुम लोगों को आदत सी होती है ना किसी भी गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मेक याद रखने की, तो हो सकता है उस गाड़ी का भी नंबर याद हो तुम। हाँ साहब, वैन का नंबर था STU 3339। STU 3339
थैंक यू सचिन। इस वैन का पता लगाओ, सफेद कलर की वैन, STU 3339। बस हो गया नाटक, हाथ ऊपर। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हाथ ऊपर। डमी सर, एक खूनी हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है। हाँ समझ। चिट्ठी है, तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है, बड़े मामूली और आम हो तुम। अब मान लो कि तुम उन तीन लोगों को बचाने में नाकाम हो चुके हो, तुम हार गए। अच्छा सर, कोई संग की है। ये देखिए सर, इसके हाथ में ये फूल, लगता है कुछ बताना चाहता था हमको। हाँ, ये हमें कुछ बताना चाहता है, कुछ ऐसी चीज जो साळुंखे को भी दिख नहीं रही है। साळुंखे तो अब तक वहां पहुंचा ही नहीं। पता लगाना पड़ेगा है क्या ये सुराग जो अभी भी धुंधला सा है। या साळुंखे, सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, जो भी करना है जल्दी कर। हाँ बॉस, आई नो। ये रीढ़ की हड्डी की गुत्थी तो सुलझा ली, लेकिन उसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, जरूर हमारी नजरों से कुछ ना कुछ तो छूट रहा है। आई नो तारिका, कुछ छूट रहा है, लेकिन क्या छूट रहा है वो तो समझ में आए। एक तारिका, ये स्कल पकड़ो जरा। तारिका वो सब लो। सर ये लीजिए सर। ये दांत तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगता है। तारिका जरा पानी लाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत? कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत क्यों लगाएगा? नहीं नहीं साळुंखे, ये जरूर खूनी किसी और तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा साळुंखे साहब, ये आपके प्रोफेशन में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ इस्तेमाल होता है? सचिन, प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्सर मेडिकल कॉलेजेस में कंकाल वगैरह बनाने के लिए, स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल कॉलेज। ये फूल, बस इस तरीके का फूल मेरे टाइम में, मेरे कॉलेज में कुछ बदमाश छात्र अपनी पहचान के लिए छोड़ जाते थे। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है साळुंखे, कि खूनी तेरे मेडिकल कॉलेज की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, तेरे मेडिकल कॉलेज की तरफ, मेरे कॉलेज की तरफ। सर, मैं आपसे जिस डीवीडी के बारे में बात कर रही थी ना, उसके वीडियो में लोगों ने जो कपड़े पहने हैं उन पे भी ठीक ऐसे ही फूल का प्रिंट बना हुआ है। किस वीडियो के बारे में बात कर रही हो तारिका? तारिका वो वीडियो ऑन करो। हाँ सर। लगाओ लगाओ वीडियो लगाओ। प्ले करो प्ले करो। सर क्या बात है, सच में आज ये कर दिखाएगा? अरे बॉस, ये तो मेरे कॉलेज का ग्राउंड है। चलो, गाड़ी उड़ा दी गई है। साळुंखे। और वहां पर जितने भी लोग हैं सब तेरा ही नाम ले रहे हैं। साळुंखे। फिर इस वीडियो के बारे में पहले क्यों नहीं बताया तूने हमें? ये क्या चक्कर है साळुंखे? बस कॉलेज में एक घटना के दौरान डीन की कार जला दी गई थी, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तू कहता है ना साळुंखे, लेकिन खूनी सोचता है कि तेरा ही हाथ है इसके पीछे, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ा है। नहीं नहीं साळुंखे, तेरा कुछ ना कुछ तो संबंध जरूर है इस केस से। माय गॉड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का दांत लगाना, उस डमी के पास उस फूल का छोड़ जाना। माय गॉड, बॉस बॉस, ये मुझे अपने कॉलेज की तरफ बुला रहा है। मतलब सर, इन तीनों विक्टिम्स को भी इसी कॉलेज में रखा गया होगा। हाँ, सिर्फ 30 मिनट बाकी है, तेरे मेडिकल कॉलेज में जाना होगा। सिर्फ 10 सेकंड बचे सर हमारे पास। सर वो तीनों मिलेंगे कब? उस तरफ हो गए, उस तरफ।
विजय डॉक्टर ठीक है मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ तीन रुपए गुना लोगों की जान ली क्यों किया तुमने ऐसा संभालिए अपने आप को डॉक्टर नहीं मैं कैसे संभाल सकता हूँ उसने तीन रुपए गुना लोगों की जान ली है मैं उस खूंखार को अपने हाथों से मार करूंगा सालुंखे वक्त बहुत कम है हमारे पास तीन तीन लोगों की जाने चली गई इस आदमी की वजह से और तू ऐसे हताश बैठा तो क्या करूं बॉस ये मेरी गलती थी मेरी वजह से तीन तीन मासूमों की जान गई और मैं कुछ नहीं कर पाया बॉस मैं फेल हो गया यार तेरी वजह से जान नहीं है ये तूने जो भी करना था सब कर लिया अगर वक्त पर काम नहीं आया तो क्या किया बॉस मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया वो फूल वो पीओपी का दांत वो डीवीडी पहले क्यों नहीं समझाई इशारा आया सर आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हैं जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती थी मेरी क्या गलती बॉस क्या फायदा मेरे एक्सपीरियंस का मेरे अनुभव का क्या फायदा जब मासूमों की जान मेरी आंखों के सामने चली जाए क्या फायदा क्या बात करता है तू सालुखे अरे सालुखे उस इंसान का नाम है जो कभी हारना नहीं जानता यहाँ पर कुछ भी नहीं है उसमें से कुछ न कुछ तो ढूंढता ही है हाँ सर सर जब उम्मीद की एक भी किरण दिखाई नहीं देती उस वक्त भी आप ऐसा कुछ ढूंढ निकालते कि हम लोग आसानी से केस सॉल्व कर लेते मुजरिमों को पकड़ लेते यस यूरेका सालुखे जहर बॉडी में आया था दांत से लेकिन सचिन आज मुजरिम जीत गया सीआईडी की ड्यूटी के दौरान जो कुछ भी हमने आपसे सीखा है आपका जोश आपका हौसला सर आप कभी हार नहीं मान सकते हाँ सर देखता क्या है सोचता क्या है उठ लग जा काम पे बस मैं तुमसे वादा करता हूं ये सालुखे तुमसे वादा करता है मैं उस खूनी को छोड़ूंगा नहीं मैं उससे उसके अंजाम तक पहुंचा करके रहूंगा बॉस यस यस ये हुई ना बात सालुखे कभी हिम्मत नहीं हारता आप देखना यूं सुराग मिलेगा सालुखे यूं सुराग मिलेगा मेरे साथ तुम लोगों का साथ है सालुखे हार सकता नहीं मैं जरूर उसे उसके अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा ये शायद किसी कार्डबोर्ड का टुकड़ा है जो अभी तक जला नहीं है ये हिस्सा कुछ अजीब तरीके से उभरा हुआ है हाँ यार कुछ तो है उसके नीचे अरे का काम करो इसे साफ करो जल्दी मैं कहता हूँ सालुन के जरूर कोई सुराग मिलेगा हमें बिल्कुल बस हम उस खूनी तक पहुंच करके रहेंगे से देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है ए वी क्या हो सकता है सर जीडी रोड पे एक कार्डबोर्ड बॉक्स की कंपनी है सर जो पिछले 2 सालों से बंद है और उस कंपनी का नाम है एवी एंटरप्राइजेस तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि खूनी ने अपना ठिकाना बना दिया है उधर ही एवी एंटरप्राइजेस में काश अब वो जान पाता कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है सर ये एवी एंटरप्राइजेस की फैक्ट्री है क्या बात है अभी तो हमारा स्वागत गोलियों से हो रहा था अभी एकदम सन्नाटा सर लगता है कोई नई चाल चलने वाला है तुम लोग देखो उसको ए, कहां गए तुम्हारे बाकी साथी हैं? सर मैं शिखर हूँ मेरे चचेरे भाई भुवेंद्र को किसी ने अगवा कर लिया है वो निकल भागने में कामयाब भी हो जाता मगर उसने फिर से उसे पकड़ लिया सर इसका मतलब वो तीसरा विक्टिम अभी भी जिंदा है एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी मेरे भाई भूपेंद्र ने मुझे मदद के लिए बुलाया था हाँ। लेकिन मेरे आने से पहले उसने उसे फिर से पकड़ लिया मैं आपको फोन ही करने वाला था लेकिन गोली लग गई तुम्हें प्लीज इसे बचा लो सर निकल गए वहां से कोई बात नहीं तुमने उन लोगों को देखा था ना उनको पहचानते हो कुछ याद है उनके बारे में सर मैंने खिड़की से उसकी झलक देखी थी हाँ
उसका चेहरा झोपड़े के पास से जला हुआ था। चेहरा जला हुआ था? हेलो सीआईडी वालों, तुम लोग डाल डाल तो मैं बात बात, तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। भूपिंदर की मौत इतनी भयानक होगी कि उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीआईडी होगी। देखो तुम लोग, हेलो हेलो, कौन था सर? खूनी अब हमें चुनौती दे रहा है। सर पता नहीं वो लोग भूपिंदर को कहां ले गए होंगे। ये मामला सारू के साहब के अतीत और उनके कॉलेज के दिनों से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये जले चेहरे वाला आदमी उन्हीं में से कोई हो। उस समय के जितने भी स्टूडेंट थे सबके बारे में पता लगाना होगा। क्या 20 साल पहले सोया और एक महीना पहले जग गया? ओके ओके ओके, थैंक यू। देव आप रेडी? सर 20 साल पहले सालू के साहब के मेडिकल कॉलेज के डीन की कार जब उड़ाई गई तो उस धमाके में कुनान नाम का एक छात्र घायल हो गया और कोमा में चला गया। वो जिस हॉस्पिटल में भर्ती था वहां से पता चला है कि वो अभी अभी एक महीना पहले कोमा से बाहर आ चुका है। बम धमाके में घायल हुआ था और जो खूनी है उसका चेहरा भी जला हुआ है। मुझे लगता है ये कुनाल ही खूनी है, अब बदले की आग में जल रहा है। सर हॉस्पिटल वालों ने कुनाल का पता SMS किया। सर जरूर वो भूपेंद्र को वहीं लेकर गया होगा। ठीक है उसके घर चलते हैं। क्या एड्रेस? क्या यहाँ छुप के खड़ा है? बाहर आ जाओ कुणाल, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, बाहर आओ। अरे तुम मेरे पीछे कैसे आ गए? अरे आप, मुझे लगा कुणाल मेरे पीछे आ गया। सिर्फ जूते हैं, वहां चेक करो। इस कुणाल ने तो जूते खिलवा दिए मुझे। सो यहां कोई नहीं है? कोई बात नहीं, ये कुणाल की फाइल मिली है, देख रहा हूं सारे सर्टिफिकेट्स और ये एड्रेस देखा है इसमें? दूसरा एड्रेस लिखा है यहां पे, बारा गोलकुंडा। कहीं भूपेंद्र को लेके यहां तो नहीं छुपा बैठा है? ब्यूरो में फोन करो, ये एड्रेस भेजो, उनको बोलो पता लगाएं इसके बारे में। So. अरे सर जल्दी आइए। क्या वो फेरी? मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, जिसने भी मुझसे मेरा कीमती वक्त छीना है मैं उसकी जिंदगी छीनूंगा। जो दर्द मुझे मिला है वो दर्द मैं बराबर लौटाऊंगा। मैं तुम लोगों पर ऐसा दाग लगाऊंगा जिससे सिर्फ तुम्हारी मौत ही मिटा सकेगी। मुझे किसी भी कीमत पर अपना बदला पूरा करना है। काफी तैयारी कर रखी है इसने बदला लेने की। सर सर फोटो देखिए, सर इसमें सालू के सर की भी फोटो और सर उन तीन विक्टिम्स की भी फोटोज है। ये फोटो तो अभी हाल के ही लग रहे हैं। बिल्कुल सर, ये सारी फोटोज इस केस की जांच के दौरान ली गई। ये तो माया के घर का फोटो है, ये कुणाल हम पे जासूसी कर रहा है क्या? जासूसों के ऊपर जासूसी? जहां जहां हम जा रहे हैं हमारा पीछा कर रहा है। इस बार आएगा वापस नहीं जाएगा।
उस आदमी को बांध के रखा हुआ है। यह आदमी तो भूपेंद्र लगता है सर। भूपेंद्र, भूपेंद्र ये तो बेहोश है। मैं खोल देता हूँ सर। नहीं एक मिनट, कहो नहीं एक मिनट। अगर वो खूनी इस आदमी को मारना चाहता था तो बॉक्स फैक्ट्री में भी मार सकता था, इसे यहाँ पे लाके बांध के क्यों रखा है? ओह मतलब ये हमें मारने के लिए चाल बिछाया उसने। नो, मौत का जाल यहां बिछा के रखा। खोलो इसे जल्दी। जल्दी खोलो इसे। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। मैं कुणाल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैंने सीआईडी वालों को सुला दिया, मौत की नींद सुला दिया। अब दुनिया में इसके बाद कोई भी अमन और शांति का जिम्मा अपने कंधे पर नहीं उठाएगा। अभी एक को सबक सिखाना बाकी है। सलूंखे अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है। अब तेरी बारी है कुणाल। तुम लोग जिंदा कैसे हो सकते हो? तेरे जैसी बीमारी सीआईडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सीआईडी मरती नहीं, मारती है तुम जैसे गुनेगारों को। क्या कह रहा था तू? डॉक्टर सालुंके को सबक सिखाएगा? हाँ चल तुझे डॉक्टर सालुंके के पास पहुंचाते हैं। क्यों मारा मासूम लोगों को तुमने? वो मासूम नहीं है, वो अपराधी है, मेरे अपराधी। मैं उन सब लोगों को मार देना चाहता था जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ था सालुंकी। तुम जानते थे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसलिए तुम मुझसे जलते थे। ऐसा तुम सोचते हो मगर ये सच नहीं है। मैं नहीं मानता। टीम की कार तुमने उड़ाई थी। नहीं वो सालुंके नहीं था, मैं था। मैंने ही सालुंके बनकर वो सब किया। लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से मेरी जिंदगी और मेरा भविष्य खत्म हो गया ना। उस वक्त मैं वहीं पे था, वो ब्लास्ट में घायल हो गया और मैं कोमा में चला गया। और जब मैं कोमा से जागा तो मेरा सब कुछ खो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेडिकल कॉलेज की उस घटना का वीडियो फॉरेंसिक लैब कैसे पहुंचा? वो मैंने भिजवाई थी सालुंके को चुनौती देने के लिए। माना कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन बदले की आग ने तुम्हें इंसान से शैतान बना दिया। कानून हाथ में लेने वाले को कानून कभी माफ नहीं करता। तुम दोनों की इसकी सजा जरूर मिलेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।